उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। फिलहाल दिल्ली में सुबह के करीब 7:30 बजे हैं और तापमान करीब 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका सीधा असर उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उस पर पड़ रहा है। फिलहाल अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरीके की सफ़ेद चादर आपको देखने को मिलेगी। आज दिल्ली NCR में जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खबरें आ रही हैं कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। फिलहाल हम विजय चौक पर मौजूद हैं और सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। आज फिलहाल जो विजिबिलिटी विजय चौक की बात करें तो काफ़ी कम नज़र आ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के जो खुले इलाके हैं, आउटर दिल्ली का इलाका है या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर कोहरे की खबरें कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिस तरीके से आने वाले समय में बर्फबारी होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय होगा और उसका सीधा असर जो है वो उत्तर भारत के राज्यों पर पड़ेगा। बहरहाल कोहरा काफ़ी आज ज़्यादा है और साथ ही प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण भी कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। सफ़र ऐप के ज़रिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि दिल्ली के कौन से इलाके में कितना प्रदूषण है। फिलहाल ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 276 बना हुआ है PM 2.5। हालांकि जो नॉर्मल रहता है वो 60 रहता है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने गुना प्रदूषण है। साथ ही ये पुअर कैटेगरी में है, पिछले दिनों हमने देखा था कि सिवियर कैटेगरी में पहुंच गया था, लेकिन कुछ हद तक राहत दिल्ली वासियों को कोहरे से आज फिलहाल मिलती हुई नज़र आ रही है। मथुरा रोड की बात करें तो 316, पीतमपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति ख़राब है, 276 के आसपास बना हुआ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 273 है। NCR के इलाकों की बात करें, गुरुग्राम में फ़िलहाल 2.5 227 बना हुआ है और नोएडा की बात करें तो यहाँ पर 312 बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो प्रदूषण है वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। मौसम विभाग ने यही साफ किया है कि 24 तारीख तक दिल्ली NCR साथ साथ जो उत्तर भारत का राज्य है, हरियाणा, पंजाब और जो UP है, वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती हुई नज़र आएगी। बहरहाल मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में लोगों को जो कोहरा है उससे भी कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ सकता है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।